महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक है महारथी पितामह भीष्म, जिनका असली नाम था देवव्रत। देवव्रत देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे, जिन्होंने असुरों के साथ युद्ध के दौरान देवताओं के सहायता किए थे। उनके जन्म के बाद उनका पालन पोषण और शिक्षण कई प्रख्यात गुरुओं द्वारा किया गया था। देवगुरु बृहस्पति ने महारथी भीष्म को राजा के गुरुदायित्व अर्थात दंडनीति के कर्तव्यों की शिक्षा दिए थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें राजनीति, विज्ञान और अन्य शास्त्र पढ़ाए थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने महारथी भीष्म को वेद, वेदांग और अन्य पवित्र शास्त्रों की शिक्षा दिए थे। ऋषि चावन ने उन्हें शस्त्र और आयुर्वेद का पाठ पढ़ाए थे। ब्रह्मदेव के सबसे बड़े पुत्र ऋषि सनत कुमार ने भीष्म को मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ाए, जिसे अन्वीक्षिकी कहा जाता है। चिरस्थायी यौवन के वरदान पाने वाले अमर ऋषि मार्कंडेय ने भीष्म को ब्राह्मणों के प्रति कर्तव्यों की शिक्षा दी, और भगवान परशुराम ने भीष्म को युद्ध विद्या और शस्त्र ज्ञान में कुशल बनाए। और भीष्म भी उनके गुरु के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने गुरु के प्रिय शिष्य बनने के लिए अपने गुरु को आमने सामने हरा दिया। इसके अलावा पितामह भीष्म ने देवराज इंद्र और सूर्यदेव से कई शस्त्र प्राप्त किए, और अंत में उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त हुआ। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा, वीरता, करुणा, साहस और धार्मिकता के प्रतिमूर्ति थे। वो सही मायने में जीवन के सभी क्षेत्रों में मजबूत थे। तो मेरे सखाओ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे एक लाइक कीजिए, और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री।